जालौर से अभी एक मुद्दा निकल कर आया, एक 9 साल के दलित बच्चे की जो है शिक्षक ने मौत कर दी, उसको मार दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने अपने सवर्ण जाति के शिक्षक के घड़े से पानी पी लिया था, क्या कहेंगे? आप लोगों के दिमाग में एरर है ना, ये दलित 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 शब्द छोड़ो, ये शब्द ही गलत है। मैं कहता हूँ शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति समझ जाएगी, मैं गारंटी करता हूँ भारत की धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, सुंदर पिचाई से कम नहीं होगा, बिल गेट्स से कम नहीं होगा। आप उसी वही सड़ी गली मानसिकता के साथ प्रश्न करते हो। सर सर सर, हमारा सवाल सड़ी गली मानसिकता के साथ नहीं होता है, ये बताना जरूरी होता है कि मुद्दा क्या चल रहा है। कई बार सामने वाले को मुद्दा नहीं पता होता, इसलिए मैंने उस दलित शब्द का प्रयोग किया। चलिए उस दलित शब्द को हटा के सीधा सवाल करते हैं, 9 साल के बच्चे को एक शिक्षक ने मौत के घाट उतार दिया पानी पीने की वजह से। दलित मैंने क्यों बोला वो समझिएगा, इसलिए क्योंकि वो बच्चा दलित था, इस वजह से उसे पानी पीने की ये सजा मिली। अब बताइए, मेरी दृष्टि में इस संसार में बेटा दो जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाए गए। और हमारी जो शुद्र स्वार्थपूर्ण राजनीति है, यही आपस में लड़ाती है समाज को। अगर हम सब जब तक जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, अगर हम ऐसे ही आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो भारत एक सक्षम राष्ट्र के रूप में कभी तब्दील नहीं हो सकता। देश तबाही की ओर जा रहा है, रसातल की ओर GDP जा रही, जागो, इस भारत को जगाओ। जन जन के भीतर की जो ऊर्जा है उसको प्रकट करने का शस्त्र वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, आज के युग का शस्त्र है वोट। वोट की शक्ति से जब तक समाज को जागृत नहीं करोगे, तब तक ऐसे गुंडे मवाली सिस्टम पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। लिख लीजिए आप, वोट देकर ही तो BJP जो है वो सत्ता में आई है, वोट देकर के ही तो वो सरकार बनाया है उसने। देखिए उन्होंने नारा क्या दिया था आते समय, क्या कहा था? सबका विकास है। आपको दिख रहा है आपका विकास हो गया? आप बताइए। नहीं मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका विकास हो गया? बेरोजगारी को तो आप साइड में कर दो, महंगाई को आप साइड में कर दो। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है आपके जरिए समाज के प्रत्येक नागरिक से, ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। भारतीय जनतंत्र का स्वरूप क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। क्या जनता की भागीदारी रह गई? ये जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, इसको सील कर रखा है, ये तमाशा बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। लोकतंत्र में हमारे यहाँ तो कबीर साहब ने कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। हमारे आध्यात्मिक जगत के जो शलाका पुरुष हैं कबीर, वो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनों मुझसे बुरा ना कोई। आत्मालोकन करने का समय, इन्होंने कभी आत्मालोकन किया? कितने लोगों को इन्होंने मौत की नींद सुला दिया? गुजरात के अंदर क्या हुआ 2002 में? अभी बलात्कारियों को, हत्यारों को माला पहना के रिलीज करवा रहे हैं, लानत है तुम लोगों पर। ये जनतंत्र है, ये तो ये लूट तंत्र और डकैती तंत्र में तब्दील कर दिया भारत। नारी सम्मान की बात की तो है मोदी जी। हाँ जी, नारी सम्मान की बात की थी। ये नारी सम्मान हो रहा है, हिंदुस्तान के आंकड़े पता है आपको? है सबसे बड़ा जो अपमान हो रहा है इस धरती पे, सबसे बड़ा अपमान नारी जाति का किस तरह से हो रहा है, देख लीजिए जगह जगह क्या हो रहा है। सारे आंकड़े आप लोगों के पास है, आप मेरे मुंह से खुलवाना चाहते हो? मेरा ये कहना है साफ साफ क्लियरिटी से बात करो, डेमोक्रेसी कैसे आएगी? डेमोक्रेसी भारत में अंतिम सांसें गिन रही है, सारा सिस्टम कैप्चर हो चुका है। ये नाक कंपनी बन चुका है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, सारे सिस्टम पे काबिज हो चुके हैं। और ED और IT और CBI ये सब इनके पिंजरे के तोते हैं, इनकी चाल में चलते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। यही तो मजबूती है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरी 66 साल की उम्र में पहली बार मैंने देखा गुजरात के अंदर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों आ रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक ही स्टेट के आप अगर मुखिया बना दोगे तो समाज कैसे चलेगा? आप सबको सम्मान देना सीखो। क्यों हम कहते हैं केरल से गिरगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक सारा देश हमारा, क्यों कहते हैं? हम खाली गुजरात को देश मान लो ना, फिर भारत को विविधता में एकता सारी छोड़ दो आप। गुजरात में क्या हालत हो रही है, जो रिवॉर्ड्स हुए उसमें जुडिशियरी ने, मैं तो कहता हूँ जुडिशियरी भी अंतिम सांसें गिन रही है। वो खुद ही 4-4 जज कॉलेजियम में बाहर आके कह रहे थे ठीक नहीं चल रहा है, और अब तो इन्होंने सारा ओवर रूल करके अपने आदमी बैठा दिए, सारे सिस्टम में इनके लोग घुस गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई है, ये खाली राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि जब भी कोई भी सरकार आती है वो हर सरकार इसी तरीके से काम करती है, चाहे बात कांग्रेस की हो? कांग्रेस के वक्त में भी कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी थी, अब BJP भी वही कर रही है। आप एक सरकार पे ऐसे कैसे जो है कह सकते हैं कि सिर्फ ये सरकार ऐसे करती है? आज सत्ता में कौन है? कांग्रेस है नहीं, प्रश्न किससे किया जाना चाहिए? जो सीट पर बैठा, अरे वो तो चली गई ना 8 साल से, तो ये श्रीमान जी है ना, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस से सवाल करते थे हम। तो आप ये बात मानते हैं ना कि हर सरकार कहीं ना कहीं ऐसे ही जो है राजगद्दी पे आने के बाद जो है उसका रुख जो है जनता के प्रति बदल जाता है?
ये तो सब जिम्मेदारी किसकी है? हाँ। हमारी। हाँ। बबूल के पेड़ पे आम लगेंगे क्या? बीज में ही परिवर्तन हो सकता है। जब आप अपने वोट का सदुपयोग करोगे, अपने एमपी एमएलए चुनोगे, तो आपको डिलीवर करेंगे जो घोषणा पत्र लेके आएंगे आपके बीच। आप प्रधानमंत्री भारत, आप कहाँ खड़े हो, अमेरिका में कि भारत में? यहाँ पे प्रधानमंत्री सीधा नहीं चुना जाता है। उसने 2019 में कहा मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, लोगों ने विश्वास कर लिया उसका। आप एमपी चुनिए, अपने एमपी चुनिए और कहिए कि आप ये घोषणा पत्र लाए हो, डिलीवर करना पड़ेगा 5 सालों में। नहीं करोगे तो मैं बीच में बैठा के आपसे बात करेंगे। ऐसा कुछ हो रहा है क्या देश में? आप सही परिस्थितियाँ जब तक पैदा नहीं करोगे, आप मीडिया के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हो, अच्छे प्रश्न करो तो अच्छे उत्तर आएंगे। जैसे आपके प्रश्न होंगे मुझे वैसा उत्तर देना पड़ेगा। मैं जनतंत्र का संवाहक हूँ, मुखर हूँ और अपनी बात हृदय की होंठों पे लाता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे जो कीमत चुकाना पड़े। मैं डरता नहीं इन लोगों से, निर्भय व्यक्ति हूँ, पहले बता दूँ आप। और मेरा कोई कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से भी बड़ी मानवता। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, प्रकृति से प्यार करना सिखाता हूँ बच्चों को। और जब तक लोग अपने वोट की कीमत नहीं करेंगे, दृश्य ऐसे ही चलता रहेगा और इससे दयनीय स्थिति में जाएगा भारत। लिख लीजिए आप, कोई बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है सर, भारत दयनीय स्थिति में जाएगा, आपने ये बात कही है। क्या लगता है 2024 में वापस से बीजेपी आएगी या कोई और पार्टी इस बार जो है सत्ता में आएगी? अब बीजेपी कांग्रेस को क्यों पीछे पड़े हो आप? अरे आया राम गया राम हो रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी दिल्ली में क्या करना चाहते हैं? तो कह रहे हैं भैया कितना माल लोगे, बोलो हमारे साथ आ जाओ। ये जो है इनका नारा है कांग्रेस मुक्त भाजपा युक्त विकास लुप्त, ये नारा है। यहाँ पर युवाओं का आंदोलन है, रोजगार आंदोलन ये लोग कर रहे हैं। आपको हमेशा मैंने देखा है कि आप उतरते हैं सड़कों पर, आते आपने क्या किया सर युवाओं के लिए? मैंने, आपने कितना योगदान अब तक दिया उन किसानों के लिए या उन युवाओं के लिए? वेरी गुड, ऐसे तीखे प्रश्न करिए तो मजा आएगा। मेरी 66 साल की उम्र है बेटा, 45 साल से बच्चों में काम कर रहा हूँ, उनके लिए हमने मॉड्यूल बनाया, उनको प्रकृति से प्यार करना सिखाया कि आप अगर चाहते हो कि भारत दुनिया का सिरमौर देश बने तो आप अपने नागरिक दायित्व बोध को जगाना। दूसरा, मैं काम करता हूँ बंदियों में, मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर, कि भाई देखिए आप लोगों ने उनको बेगुनाह लोगों को भी जेलों में डाल दिया। एक नहीं, 87% लोग भारत के बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं इस करप्ट सिस्टम के कारण। जुडिशरी खत्म हो गई, अब आप बताइए न्याय मांगने कहाँ जाओगे आप? मेरी 10 साल से PIL चल रही राजस्थान में, जयपुर में, नोटिस सर्व नहीं हुए, क्या विश्वास रह जाएगा हमारा? आप बताइए सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति चल रही है, आप देख रहे हो किसान आंदोलन के दौरान। आप बताइए मुझे, किसानों को जुडिशरी से बाहर कर दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई SDM और DC के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, तब आप लोग चुप रहे? आप लोगों का क्या धर्म है? बताना था ना कि जुडिशरी का क्या इंपॉर्टेंस है। तब मैंने उस बोवड़े को बेवड़ा कहा, बेवड़ा मतलब दारू पीने वाला, वो दारू पी के नशे में सोता रहा, इस करप्ट सिस्टम ने उसको सिस्टम से बाहर कर दिया न्यायालय को, कि तुम बात नहीं सुनोगे किसानों की। किसानों के ऊपर वो थार गाड़ी चलाने वाला टैनी का बेटा, टैनी क्या कह रहा था आप लोगों से कि अगर मेरा बेटा इन्वॉल्व हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसने इस्तीफा दिया? आप लोगों ने मांगा उससे इस्तीफा? मुझे शर्म आती है, आप कौन सा लोकतंत्र बना रहे हो? आप तो लूटतंत्र बना रहे हो भारत को। अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो आप अच्छे प्रश्न करो, सामाजिक जागृति का प्रश्न है ये, लोग वोट का सदुपयोग। अब आप देश की जनता को डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को जुडिशरी पे भरोसा नहीं, देश की जनता को सरकार पर भरोसा नहीं, तो किस पर विश्वास करेगी? जनता पर, जनता मालिक है इस देश की। इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश मालिक नहीं है, जनता मालिक है, जिसको सील करके रोक रहे हैं ये लोग। जनता की आवाज़ को रोकने की साजिश की जा रही है। जनता की आवाज़ का मतलब समझ रहे हो, कोई आदमी जंतर मंतर पे क्यों आता है? मुझे मजा आ रहा है। स्वामी जी आप टेनी की बात कर रहे थे, उसी जगह से उसी जनता ने 7 सीट पर उनको जिताया। यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने किसानों से कहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे हो। हाँ। हार जाओगे आप लोग। क्या मिला किसानों को? क्या मिला? क्या MSP मिला उनको? मैंने कहा था तुम इनको नेशनल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाइट देना बंद करो। ये जैसे जैसे इनकी ताकत घटेगी, अपने आप सोशल मीडिया बड़ा होगा और समाज में सही सूचनाएं पहुंचेंगी। तो जनता का प्राप्त हुआ ना, फिर वही बात है, भोली भाली जनता है भाई। जनता को नागरिक दायित्व बोध जगाने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। ये प्रश्न था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसलिए तो आया हूँ, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है कि हमारे वोट। आप उस जनता को भोली कह रही है जो हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सड़कों पर उतर आती है। फिर वही बात है, बात समझने की कोशिश करो, हिंदू एक जीवन पद्धति है। इस संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल।
ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बनाए गए थे। इन शुद्र स्वार्थ वाले राजनीतिकों ने उसको औजार बना लिया है, उसी के कारण भारत रसातल में जा रहा है। अमृत काल में बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, गुजरात का देखा होगा आपने। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उनको ये मालाएं पहना रहे थे, लानत की बात है। ऐसे लोकतंत्र को मैं लानत भेजता हूँ कि बलात्कारी, हत्यारे, उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। और जुडिशियरी क्या कर रही है? वो कह रहा है क्षमा नीति के तहत हम छोड़ रहे हैं। जुडिशियरी को रोकना चाहिए, उसको विशेषाधिकार है कि आप कैसे बलात्कारियों को और मर्डर करने वालों को निकाल सकते हो। और आप सबको क्लीन, इसके पीछे सारी सत्ता की ताकत है ना, आपकी वोट की ताकत है मेरे भाई, समझो। ये भारत लोकतंत्र नहीं रहा, लूटतंत्र में तब्दील हो गया। और इस भारत को नाग कंपनी चला रही है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। इस कंपनी से जब तक आप देश को बाहर नहीं निकालोगे, एक सच्चा लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। अच्छा, राजस्थान की घटना, जो बालक को पानी पीने पे मार दिया जाता टीचर के द्वारा, क्या कहेंगे इस वाले पे? अरे पूरे देश का यही चरित्र है भाई। मेरा ये कहना है शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। ये दलित दलित क्यों बोल रहे हो आप? आपके दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है। फिर वही तो बात है ना, उनके दिमाग में अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी को दूर करने के लिए चिकित्सालय खुले हुए हैं ना। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा पंत प्रधान ही मानसिक रूप से बीमार है, ये लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना विश्वास दिया, उसने बदले में क्या दिया? गोलियाँ चलवाई, 750 किसानों को मौत की नींद, और 80 करोड़ लोग अब उनके झोले लेके घूम रहे हैं उनके फोटो के साथ। लानत की बात है, उनको स्वनिर्भर स्वावलंबी भारत बनाना था। 8 साल बहुत लंबी मियाद होती है, बच्चा माँ के पेट से बड़ा होकर दौड़ना सीख जाता है। स्वामी जी आप कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं आदिवासी है, राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो कहते हैं दलित है, तो कौन है मानसिक रूप से बीमार? तो यही तो एरर है मेरे भाई, इसी को तो समझना है। मैं आपको अभी बोल गया कि संसार में दो जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। इस दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पर श्वास लेते हुए राम का रा बोल सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, समझिए। ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण को जब आप पकड़ोगे अपने अंदर, तो एक चमत्कारिक मानव पैदा होगा। मैं गारंटी करता हूँ, जिस दिन आपका ये एरा दिमागी कीड़ा निकल गया, दलित और ये ऊंचा और ये नीचा, ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब पंथ हैं, सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब समझ रहे हो? जैसे नमक खा रहा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे सनातन प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। 5 एलिमेंट को समझो, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि कैसे काम कर रहे हैं। 1000 साल पहले बैलगाड़ी का बैरिंग था, आज ड्रोन का बैरिंग है, माइंड अपसेट हो रहा है। जापान के अंदर 1964 में बुलेट ट्रेन आया, नो डिले, नो एक्सीडेंट। हमारी ट्रेन 100 किलोमीटर की पूरे नीचे जा गिरती है, हम काले जा रहे हैं देश को। क्या ट्रेनिंग है हमारे पास? क्या ट्रेनिंग? जो प्रधानमंत्री लाल किले से इतना बड़ा झूठ बोलता हो कि महिला सम्मान की बात, और उसी दिन महिलाओं के आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। भाई आप इसे प्रधानमंत्री कहते हो ना, जिसने 2019 में कहा आप मुझे वोट दो, मेरे प्रतिनिधि मत देखो, मेरी नज़र में तो उसी दिन गिर गया था वो। अगर वो कहता कि आप अपने क्षेत्र का बढ़िया एमपी चुनिए और जो एमपी ज़्यादा आएंगे उसका प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं मानता हूँ सच्चे लोकतंत्र का हिमायती। तो आप गुलाम बने रहो, यही तो गुलामी की परिभाषा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता का जनता से जनता के लिए, जब तक एमएलए एमपी अपने नहीं चुनोगे वो घोषणा पत्र डिलीवर कैसे कराओगे? जनता क्यों कहते हैं आप? हाँ जी, फिर भोली भाली जनता क्यों? भोली भाली जनता तभी तो ऐसा कर रही है। अगर जनता जागरूक होती तो अपने एमपी एमएलए चुनती ना। प्रधानमंत्री आप अमेरिका में थोड़ी खड़े हो भाई, भारत में खड़े हो, यहाँ प्रधानमंत्री कौन? जनता जागरूक होगी जब आप उसको वोट की शक्ति से परिचित कराओगे कि आपके हाथ से ही वोट फिसल रहा है और इसी में सारी शक्ति छुपी हुई है। डर दिखाया जाता है। हाँ जी, देश खतरे में आ जाता है। हाँ, फिर कैसे भोली वाली? तो आप क्या 1857 से 1947 का इतिहास नहीं पढ़ा क्या आपने? 90 साल आज़ादी का आंदोलन क्यों चला? एक दिन में देश आज़ाद हो जाता? ये भोली भाली जनता तभी तो धीरे 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 जागती है। अब इनके पेट पे लात पड़ रही है, अब धीरे धीरे जागेंगे। मैं तो जंतर मंतर पे बहुत दिन बाद ये नज़ारा देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यहाँ हमेशा, यहाँ देखता हूँ सीज, इन्होंने तो सारा सील कर रखा इलाके को। पुलिस वाले कहते हैं अंदर जाना मना है। बताओ अब जंतर मंतर, ये ऐतिहासिक स्थल है जहाँ वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, आज़ादी के आंदोलन में इसकी बड़ी भूमिका है, इसको ही कुचला जा रहा है, तो बाकी चीज़ों की क्या उम्मीद कर रहा है? आज़ादी की लड़ाई जनता लड़ेगा, वो तो अंग्रेज से लड़ा था सत्ता। अरे आप किससे लड़ेंगे? अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज बैठे हैं अब तो। पहले वो अंग्रेज तो काफ़ी लोग थे, तो 3 ही हैं खाली। गौतम अडानी का पैसा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों गुजरात से आ रहे हैं। बस आप भुगतते रहिए, अगर आप इनको वोट देते रहिए भुगतते रहिए बहुत मस्ती के साथ। 80 करोड़ है, कल 100 करोड़ हो जाएंगे, फिर सारे देश की जनता भिकमंगी हो जाएगी और फिर राम 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 मंदिर में बैठ के करना वहाँ आपको जो। हाँ जी, तो विधायक खरीद ली थी,
मेरा यही कहना है भाई कि आप लोग अपने क्षेत्र में, मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं देश की जनता से कि बहुत हो गया, 75 साल का अमृत महोत्सव है, अब जो भी चुनाव आए आप अपने प्रतिनिधि देखो, किसी राजनीतिक दल को मत देखो, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया है, ये 100 करोड़ 200 करोड़ में खरीदेंगे, आप किसी को भी जिता दो ये खरीद के अपना बना लेंगे, उससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या के हल का एक ही तरीका है, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनो, इसी में आपका, मेरा, समाज का, देश का, मानवता का हित निहित है। जय हिंद, जय भारत।